नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर तहसील अध्यक्ष ने ग्रामीण संघ मिलकर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाकर एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के तहसील अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सैनी ने कोतवाली क्षेत्र के गांव कूड़ी वीरान करनपुर माफी में ग्रामीण मस्तराम पुत्र मोहन सिंह एवं भरतराम आदि के साथ मिलकर आरोप लगाते हुए एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। आरोप के मुताबिक गाँव के ब्रजकिशोर पुत्र लीलाधर हसनपुर की बेनामी के हिसाब से 15-20 से जमीन होती है, लेकिन 18-20 से जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अरुण कुमार पुत्र सुरेंद्र पाल की बेनामी के अनुसार 1 बीघा 16-20 जमीन होती है, लेकिन वह 2 बीघा 13-20 जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आपका? मेरा नाम भरतराम सैनी। कहाँ के रहने वाले? करनपुर। अच्छा, क्या है पूरा मामला बताएं। पूरा मामला ये 96 बीघे का नंबर है और उसमें कुछ लोग जो है आगे जो है कब्जा करना चाह रहे हैं जबरदस्ती से, और मौके पर जो है ज्यादा मतलब जो है बैनामे के आधार से वो जो है अपना जो कब्जा कर लें, और बढ़ती जमीन जो हमारी है वो हमें छोड़ देना। एजीएम साहब से शिकायत की गई है, क्या आश्वासन दिया है? हाँ, एजीएम साहब ने उनको बुलवाया सब लोगों को, उन्होंने हमारा मामला जो सोचा है कि मतलब जो सही है मामला, इनको भाई इतना बैनामे के आधार पर ये दे रहे हैं तो इनको आप क्या आपस के अपने आप बैनामे के आधार पर इनको ले लेनी चाहिए। अमरोहा के हसनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बंदरों की मौत हो रही है और संबंधितों ने इसका कारण तक नहीं जाना, जहां पर पशु अधिनियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव इकोदा में संदिग्ध परिस्थितियों में गत दिनों में से लगातार बंदरों की मौत हो रही है और अधिकारी को व्हाट्सएप पर सूचना देने के बाद भी अनजान बने हुए हैं। संबंधित अधिकारी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे, साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका एक सीधा प्रमाण क्षेत्र का गाँव है, जहाँ पर लगातार बंदरों के मरने से बंदर लोगों पर हमलावर हो रहे हैं और लोगों पर हमला कर उन्हें घायल करने के बाद भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। इकोंदा में पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो रही है, और जब कोई बंदर या उसका बच्चा मर जाता है तो बाकी जो बंदर हैं वो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में 2 दर्जन से अधिक लोगों को काट कर घायल कर दिया है ग्राम कोंदा वासियों को। घायल लोग जब सरकारी अस्पताल में गए तो उस समय अस्पताल भी बंद था, तो टीका भी उनके सरकारी अस्पताल में नहीं लग पाए और उन्हें टीके भी प्राइवेट माध्यमों से लगवाने पड़े, जिसका उन पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ा है। रही बात बंदरों को मारने के, बंदर जो मर रहे हैं संदिग्ध परिस्थिति में, उसकी व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन आज तक किसी ने वहां पर जाकर ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर ये बंदर मरे हैं तो कैसे मरे हैं। अगर एक बार भी कोई विभाग वहां जाकर ये गांव में जानकारी करता कि भाई ये बंदर क्यों मरे हैं, ये तो एक तरह से वहाँ पे भय पैदा होता। यदि कोई संलिप्त है बंदरों की हत्या कर रहा है कोई, तो हो सकता है वो आगे हत्या नहीं करता और उसकी मौत पे एक विराम लग सकता था, लेकिन ना किसी सरकारी विभाग ने ना सुरक्षा विभाग ने किसी ने वहाँ पे जाके देखना उचित नहीं समझा, और लोग जो वहाँ लोग काटे जा रहे हैं बंदरों के द्वारा, ना ही बंदरों को पकड़वाने का प्रयास किया गया। तो हमारी मांग है कि सबसे पहले तो जो कारण है लोगों को काटे जाने का, परेशान करने का, बंदरों की मौत, संदिग्ध मौत, उसका पता लगाया जाना चाहिए कि ये बंदर क्यों मर रहे हैं। दूसरी बात, बंदरों की मौत जो है रोकी जानी चाहिए कारणों का पता लगा के, जिससे आगे किसी बंदर की मौत ना हो, किसी बच्चे की, बंदर के बच्चे की मौत ना हो और फिर बंदर हमलावर ना हो। तो यही हमारी सब मांगे हैं, और जो लोग वहाँ बंदरों के द्वारा काट लिए गए हैं उनके टीका लगाने की व्यवस्था की जाए, उन लोगों को अस्पताल तक ले जाने की सरकारी वाहन की व्यवस्था की जाए, ये सब हमारी मांग है।
मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के सभागार में हिंडन व काली नदी के किनारे बसे गांवों के समस्त लेखपाल सचिव एवं ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करते हुए एसडीएम सदर दीपक कुमार व खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने नदी के किनारे कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खंड चरथावल सभागार में एसडीएम सदर दीपक कुमार और खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने हिंडन नदी के किनारे बसे 12 गांव पंचायतों एवं काली नदी के किनारे बसे 11 गांव पंचायतों के समस्त लेखपाल सचिव व ग्राम प्रधानों की बैठक ली, जिसमें नदी उद्धार कार्य, भूमि विवाद, सफाई कार्य एवं अन्य विकास कार्यों और सामुदायिक भवन हेतु स्थल चयन हेतु समीक्षा की गई तथा सभी से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति, एडीओ आईएसपी राजेंद्र कुमार, एडीओ पंचायत संदीप बाल्यान, ग्राम सचिव मोहसिन, कुलदीप, कुलवंत चंद्रा, नीरज शर्मा, सुरेंद्र अनंगपाल चौधरी, पुष्पेंद्र बालियान, आशुरानी व ग्राम प्रधान नफीस अहमद, रविंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। काली एवं हिंडन नदी के किनारे एक रास्ता बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई लगभग 3 मीटर रखी गई है, तो उसमें लेखपाल और सेक्रेटरी को संयुक्त रूप से काम करना है। रास्ता खाली कराना, विरोध खत्म करना, उसमें कहीं कहीं काश्तकारों की जमीन में आ रही है तो काश्तकारों से भी अनुरोध किया गया है कि जनहित का काम है, इसमें सहयोग करें, और बहुत सारे लोगों ने किया भी है सहयोग। कुछ काम जो बचा है उसको पूरा कराया जाना है और उसे तेजी से कराया जाना है, इसीलिए हमने और वीडियो सामने लेखपाल और सेक्रेटरी की संयुक्त बैठक की है और जिसमें उनको कार्य पूरी तरह से बताया गया है। कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा काम? इसको तो हम लोगों को 1 सप्ताह में काम पूरा करना है। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जीवनपुरी के गांव ईशाकवाला में फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। गांव ईशाकवाला में सफाई न होने के कारण ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया, जिसमें मंजीत सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान ने आज तक कोई भी सफाई कार्य गांव में नहीं कराया। ग्राम प्रधान को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला। साफ सफाई व नाली निर्माण न होने के कारण घरों के सामने भरी पड़ी गंदगी, जिसमें घर से बाहर निकलना बीमारी को दावत देना है। वहीं मंजीत सिंह ने बताया कि गांव ईशाकवाला में नाले के पास से अगर एक नाली का निर्माण कराया जाए तो बहुत सारी गंदगी दूर हो सकती है। हैंडपंप के पास भी चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिससे गांव ईशाकवाला में चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव से कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी ग्राम प्रधान के 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्य का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं राशन बांटने की भी बात सामने आई है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में जाने के लिए 2 सीमा पार करनी पड़ती है, जिसमें गंगा बैराज चौकी व गंगा बैराज जिला बिजनौर चौकी पार करनी पड़ती है। वहीं सरकार बार बार कह रही है कि अपने घर पर सुरक्षित रहिए, लेकिन राशन लाने के लिए मजबूर होकर ग्राम पंचायत जीवनपुरी में जाना पड़ता है। मंजीत सिंह, मंजीत जी, क्या समस्या आपकी? ये मतलब हमें रास्ते की समस्या, मतलब खड़ौंजा नहीं लगाया प्रधान ने, 5 साल हो गए हैं, कोई भी निर्माण नहीं करवाया, मतलब हैडपंप भी टूटा पड़ा है और ये नाला गहरा करवा दिया है। बालक गिर जाए तो यहाँ बाई चांस कोई ना हो मौके पे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी घटना हो सकती है। यही समस्या हमारा, ये नल का खड़ौंजे का काम होना चाहिए। ग्राम प्रधान से शिकायत की, सेक्रेटरी से शिकायत, सबसे शिकायत कर ली, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब भ्रष्टाचार भरा हुआ है जी। और कोई? एक हमारे गांव में कोटा आना चाहिए, हमें जाने में परेशानी होती है, हमारी पंचायत जीवनपुरी लगती है तो वहां पुल क्रॉस करना पड़ता है, बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए तो इस वजह से हमारा कोटा हमारे गांव में आना चाहिए। तो आज तक आपके यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं कराया ग्राम प्रधान? आज तक हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य कराया नहीं गया। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मार दी। गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सेल्समैन युवक को बुढ़ाना सीएससी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव जोला पेट्रोल पंप का है, जहां पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सेल्समैन को बुढ़ाना सीएससी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।
मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा के भीमकुंड पुल पर किसानों की मांगों को लेकर सफाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को हस्तिनापुर विधानसभा के खादर क्षेत्र के किसानों की मांग को लेकर नए गंगा पुल पर समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने सपा नेता किशोर टांग के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सपा नेता निर्वैर सिंह खालसा ने बताया कि गंगा के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, गंगा के किनारे तटबंध की आवश्यकता है और ठोकरे भी लगाए जाने चाहिए। जिन किसानों की जमीन है वह पुल विकास कार्य में चली गई है, उनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए या गंगा पुल के स्थान पर कहीं अन्य जगह पर जमीन दी जानी चाहिए। बच गए थे जाकर, अब यहाँ कोई हमारी वोटिंग कोई नहीं सुनता, तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो है जो गंगा नदी चल रही है हमारे लगाने में खेतों में, और जो असली जगह है गंगा की वहाँ इसका ट्रांसफर होना चाहिए जमीन का। या तो हमें जमीन मिला वहाँ पर, जमीन है नहीं, जमीन बहुत 3300 बीघे कच्चा जंगल पड़ा है हमारे गांव का, उसमें मिलना चाहिए ट्रांसफर जो। और आपने प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की? नहीं, हमने करा, मुख्यमंत्री को फैक्स किया और जो है सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की हुई है, डीएम कमिश्नर और एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन है। और उधर से कोई आपको आदेश? कोई सुनवाई? उधर से सुनवाई कोई नहीं, कोई नहीं। वो क्या चकबंदी में गांव में तो इस तरह के बहाने बन रहे, चकबंदी नहीं हो पा रही। हाँ, चकबंदी इस वजह से बहाना कर देते हैं सारा लगाने जंगल जो तुम्हारा रेत में गंगा में जगह ही नहीं है। जो चकबंदी की वजह से जो लगानी जमीन है दबंगों ने दूसरों घेर रखी है वो देखिए, ये जो समस्या है हमारे किसान भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये प्रशासन जो है आंख मूंदे बैठा हुआ है। लगातार देखो विकास होना जरूरी है, पर विकास के साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए हम किसी को उजाड़ने का काम करें। प्रशासन ने और सरकार ने किसानों को उजाड़ने का काम किया है, इनकी ज़मीनें हैं जो लगान में आई हुई हैं, जो हमारी मांग है चकबंदी का काम किया जाए या हमारे सरकार की जो नीति है उसको सफल किया जाए। इनकी ज़मीनें जहां निकलती हैं आपने यहां ले ली विकास के नाम पे, तो इनको दूसरी जगह ज़मीन दी जाए। एक हमारी जो बांध की मांग है, ये बांध लगनी चाहिए, ठोकरें यहां लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हमारे जो किसान हैं इनकी जो ज़मीनें गई हैं उसका या तो मुआवजा दें या उन्हें जो ज़मीन गंगा की ज़मीन है उनमें इन्हें ज़मीन दी जाए, हमारी ये मांग है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में बैठक के दौरान कड़ाई के साथ निर्देशों के पालन की एसडीएम ने अपील की और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कोतवाली परिसर में एसडीएम विजय शंकर एवं कोतवाल नीरज सिंह के द्वारा अमन कमेटी की बैठक की, जहां पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया और ईद उल अजहा एवं रक्षाबंधन के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई। उन्होंने ईद उल अजहा को लेकर अपील करते हुए कहा कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी न करे और ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करे, साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करे, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर कोई भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी या सामूहिक नमाज अदा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर के मीनापुर में पत्रकार विनय नागर की माता का बीमारी के चलते निधन हो गया। उनकी मृत्यु की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मीरापुर प्रेस क्लब ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। मीरापुर निवासी पत्रकार विनय नागर की माता पिछले काफी समय से गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त थी, जिसके चलते करीब 15 दिन पूर्व उन्हें देहरादून के जोली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पत्रकार विनय नागर के आवास पर शोक व्यक्त करने वाले लोगों का तांता लग गया। ईद उल अजहा को लेकर उच्चाधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र के सभी गांवों में जाकर सभी धर्म के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक की। मंगलवार को गांव कुतुबपुर में मीटिंग को संबोधित करते हुए मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ईद उल अजहा की नमाज ना पढ़े और ना ही खुले में कुर्बानी करे। इंस्पेक्टर ने लोगों से कहा कि कुर्बानी की कोई वीडियो नहीं बनाएगा, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रेम व सद्भाव के साथ त्यौहार मनाएं। गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 5 दिन लगातार घटने के बाद छठे दिन अचानक से बढ़ गया। गंगा के जलस्तर ने चेतावनी बिंदु को पार कर दिया, जिससे गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 219.20 मीटर पर पहुंच गया। शिवालिक की पहाड़ियों पर हुई वर्षा के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। 5 दिन तक गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के नीचे रहा, किंतु मंगलवार की सुबह अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद हरिद्वार से 1,00,000 क्यूसेक जल गंगा में छोड़ा गया, जिसके मद्देनजर मध्य गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया। गंगा बैराज पर स्थित कंट्रोल रूम
पर तैनात सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने शाम को गंगा बैराज के अपस्ट्रीम में गंगा का जलस्तर 221.50 मीटर व डाउन स्ट्रीम में 219.20 मीटर व गंगा नदी में 49,706 क्यूसेक जल निस्तारण की माप की है। मीरापुर कस्बे में एक रेडीमेड की दुकान से दो महिलाओं ने हजारों के कपड़े चोरी कर लिए। चोरी के बाद महिलाएं फरार हो गई। चोरी करने वाली महिलाओं की हरकत दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पीड़ित व्यापारी ने थाने में तहरीर दी है। कस्बे के मोहल्ला मुस्तरक निवासी आमिर कुरैशी की मोहल्ला कमलियान के निकट गर्ल्स फैशन पॉइंट के नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। सोमवार को आमिर की दुकान पर दो महिलाएं पहुंची और कपड़ों की खरीदारी के बहाने कपड़े दिखाने लगे तथा दुकान पर कपड़े दिखा रहे सेल्समैन को बातों में उलझाकर महिलाओं ने दुकान से हजारों रुपए की कीमत के कपड़े चोरी कर लिए और कुछ देर बाद कपड़े पसंद नहीं आने की बात कहकर वहां से 9:11 हो गई। महिलाओं के जाने के बाद दुकानदार को कपड़े गायब होने का आभास हुआ तो उसने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो महिलाओं द्वारा कपड़े चोरी करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा के हसनपुर पुलिस ने 30 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की तैयारी की। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के कई गांवों में अवैध कच्ची शराब सप्लाई करने वाले गैंग के मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं कोतवाली पुलिस का कहना है कि 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ मुख्य आरोपी रविंद्र पुत्र यादराम निवासी गाँव शीशोवाली थाना गजरोला एवं उसका साथी प्रेमचंद पुत्र कमल सिंह दोनों को 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा के हसनपुर में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से बैटरा चोरी कर चोर फरार हो गए, जहां पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। तहसील क्षेत्र के गांव अधेक की मंडिया गांव साथलपुर निवासी ग्राम प्रधान पुत्र नंद किशोर का घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने ट्रैक्टर से बैटरा चोरी कर लिया। साथ ही नंद किशोर ने थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। ट्रैक्टर में जब सुबह देखा 7 बजे उसे बैटरा चोरी मिला तो इसकी तहरीर वगैरह थी। हां सर, थाने में तहरीर दे चुके हैं। क्या पुलिस ने कोई जांच पड़ताल वगैरह? हाँ सर, जांच पड़ताल चल रही है। क्या आश्वासन दिया है पता, जैसे ही पता लग जाएगा तो वैसे ही हम आपको सोच रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।